कॉन्सेप्ट के बारे में अगर कुछ भी अभी बताने जाऊं तो थोड़ी सी फिल्म के साथ नाइंसाफी हो सकती है, क्योंकि आखिर में मेरे इतने सारे दर्शक हैं, हर किसी को एक पर्टिकुलर किस्म की फिल्म देखनी है, तो मैं यही चाहूंगा कि हर एक को अपनी अपनी चॉइस की फिल्म इसमें देखने मिले। तो आप जब फिल्म देखेंगे तो ये अनुभूति शायद करेंगे कि हर आधे घंटे के बाद फिल्म का जॉनर बदलते जाता है। ये बहुत अजीबोगरीब फिल्म है, बहुत पसंद आ जाएगी आपको। ऐसी जगह पर जाकर फिल्म शूट की है जहाँ पर आज तक कोई कैमरा गया नहीं था। जगह का नाम है कनाताल, उत्तराखंड प्रदेश में, जहाँ पर पिछले साल बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर दूरी पर 9000 फीट पर एक कौड़िया जंगल करके जगह है, और उस जंगल के भीतर और उसके आसपास में हमने शूट किए हैं। वजह ऐसी है कि मेरे लाइफ में सिर्फ दो लोगों की हमेशा याद आती है, घड़ी होती है, एक भगवान की आती है, दूसरी डॉक्टर की आती है। भगवान को शायद कई बार काम होने के बाद थैंक यू बोला है, डॉक्टर साहब को कभी थैंक यू बोला नहीं था, तो इस फिल्म के कारण शायद उन्हें थैंक यू बोलने का एक मौका मुझे मिल रहा है। गड़बड़ हो जाएगी। बहुत सिंपली स्पीकिंग हुआ ये कि जिस तरफ हम थे उस तरफ बाढ़ का प्रभाव इतना रहा नहीं, उत्तरकाशी की तरफ वो ज्यादा हुआ। लेकिन हमें भी जो हमारा निसर्ग बदल रहा है उसकी भले भांति अनुभव आते रहे। वहाँ के लगभग सारे लोगों ने हमारे साथ काम किया, ऐसी जगहों पर काम किया है जहाँ पर शायद वहाँ की पॉपुलेशन ही 5 या 10 लोगों की थी। हमने फिल्म के पहले ही उत्तराखंड के लोगों को, गवर्नमेंट को सारी हमारी शुभकामनाएं, उनके प्रति हमारी जो सहानुभूति है वो हमने व्यक्त की थी। देखिए, हम बहुत छोटे लोग हैं, तकरीबन हम 15 दोस्त थे, जो हर कोई एक दूसरे के सक्सेस के लिए, हर किसी दूसरे काम के लिए हमेशा कामना करते थे, और ये फिल्म ऐसी बनी है कि हम 15 को एक साथ काम करने का मौका मिला। आप जरूर वैसा अर्थ निकालिए, स्टोरी बहुत विपरीत है जी। इस फिल्म में कोई लोकप्रिय है नहीं, इस फिल्म में ना ही कोई किसी का त्याग है, किसी की सेवाभावी वृत्ति है,
फिल्म एक आप इसे लैंडस्केप थ्रिलर या नेचर थ्रिलर कह सकते हैं। ऐसी ऐसी इमेजेस इस फिल्म में हैं जो आपने आज तक कभी शायद देखी नहीं होगी। हिंदुस्तान इतना खूबसूरत हो सकता है, इसकी अनुभूति शायद आपको इस फिल्म को देख कर आ सकती है। जी मतलब अगर डेब्यू की बात करें तो मैं और शिराज हम दोनों का इस फिल्म से डेब्यू हो रहा है। बाकी सभी ने कई सारी फिल्में की है, कई सारी सारे थिएटर के धुरंधर लोग हैं हमारे साथ जितने भी हैं, और मेरे लिए भी ये मेरा पहला रिलीज़ है, लेकिन ये मेरी वास्तव में दूसरी फिल्म है और मैं अभी 3 फिल्म पूरा हो चुका हूँ। इसके बाद अब 24 अप्रैल को मुझे वापस मिलेंगे मेरी अगली फिल्म के लिए। तो धन्यवाद। कई सालों से ख्वाहिश तो यही थी कहें, बहुत बहुत उम्मीद है कि इस फिल्म के बाद कहें। और जैसे इन्होंने कहा, रामा ने एक बहुत बहुत खूबसूरत एक टर्म यहाँ पर आज कॉइन की थी, सरप्राइज पैकेट ऑफ 2015। तहे दिल कहूँगा कि इट बेटर बी सरप्राइज पैकेट ऑफ 2015।